नमस्कार, दिस इज मोहम्मद साजिद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद साजिद। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, टाइम एंड टेंस। तो लोगों को काफ़ी इंतज़ार था कि टेंस कब से स्टार्ट होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड टेंस। तो टाइम को हिंदी में समय कहा जाता है, जबकि टेंस को काल कहा जाता है। टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट होता है, जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट होता है। तो टेंस को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए कि कौन सी वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में होती है और कौन सी वर्ब पास्ट फॉर्म में होती है। इनको जानना बहुत जरूरी होता है। तो प्रेजेंट फॉर्म वाली वर्ब होती है इज, एम, आर, हैज, हैव, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे वो एस ई एस के साथ में हो या फिर वो बिना एस ई एस की हो। एंड पास्ट फॉर्म वाली वर्ब होती है वॉज, वर, हैड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म वी टू। इनको कहा जाता है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो चलते हैं अब टेंस पर। टेंस को दो भागों में क्लासिफाइड किया जाता है, एक होता है ट्रेडिशनल कंसेप्ट और दूसरा है मॉडर्न कंसेप्ट। तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट का यूज अब नहीं किया जाता, पहले इसका यूज हुआ करता था, लेकिन उस समय टेंस को टाइम कहा जाता था और टाइम को ही टेंस कहा जाता था, लेकिन अब इसका यूज नहीं होता। अब यूज होता है मॉडर्न कंसेप्ट का, तो हम जो भी पढ़ेंगे वो मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार पढ़ेंगे। तो मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार टेंस किसे कहा जाता है देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार टेंस किसे कहा जाता है। लिखा है अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच डायरेक्टली जॉइंस द सब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि सेंटेंस की वो वर्ब जो डायरेक्ट सब्जेक्ट से जुड़ी होती है, वही वर्ब उस सेंटेंस के टेंस को बताती है। आई रिपीट, सेंटेंस की वो वर्ब जो डायरेक्ट सब्जेक्ट से जुड़ी होती है, वही वर्ब उस सेंटेंस के टेंस को बताती है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन माई होमवर्क, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है। यदि अगर किसी को नहीं पता है सब्जेक्ट के बारे में तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कितने टाइप्स के सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट किसे कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है, कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो आई है। अब हमें यह देखना है कि आई से कौन सी वर्ब जुड़ी है। इस सेंटेंस में एक वर्ब है हैव और दूसरी वर्ब है डन। तो इस सेंटेंस में जो आई है वो सब्जेक्ट है, उससे कौन सी वर्ब जुड़ी है, हैव या डन। तो इसमें आई से हैव जुड़ी है, तो हैव ही हमारा टेंस बताएगी। इस सेंटेंस का टेंस हैव बताएगी। अब हमें यह देखना है कि हैव प्रेजेंट में होती है, पास्ट में होती है। तो हैव जो वर्ब है, कुछ देर पहले मैंने बताया था कि इज, एम, आर, हैज, हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनको कहा जाता है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, इनकी वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म। और वॉज, वर, हैड और वी टू, इनको कहा जाता है वर्ब की पास्ट फॉर्म। तो हैव जो है वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म होती है, तो इसलिए इस सेंटेंस का टेंस हुआ प्रेजेंट टेंस। याद रखना कि टेंस सिर्फ वही वर्ब बताती है जो डायरेक्ट सब्जेक्ट से जुड़ी होती है। सब्जेक्ट से अगर नहीं जुड़ी है तो वो वर्ब टेंस नहीं बताएगी। जैसे एक और वर्ब है डन, ये सब्जेक्ट से नहीं जुड़ी है लेकिन ये टाइम बताएगी। जो वर्ब सब्जेक्ट से नहीं जुड़ी होती वो वर्ब टाइम बताती है, और जो सब्जेक्ट से जुड़ी होती है वो वर्ब टेंस बताती है। तो यहाँ ये वर्ब डन लिखी है, ये पास्ट फॉर्म की वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये टाइम बताएगी। तो इस सेंटेंस का टाइम है पास्ट और टेंस है प्रेजेंट। याद रखिएगा कि सेंटेंस की वो वर्ब जो सब्जेक्ट से जुड़ी है वो टेंस बताती है, और जो सब्जेक्ट से नहीं जुड़ी होती वो टाइम बताती है। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वी और वी से जुड़ी है आर, तो आर बताएगी सेंटेंस का टेंस। आर होती है वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, तो इस सेंटेंस का टेंस हुआ प्रेजेंट। एक और वर्ब लिखी है प्लेइंग, तो प्लेइंग तो एक ऐसी वर्ब है जो सब्जेक्ट से नहीं जुड़ी है, तो जो सब्जेक्ट से नहीं जुड़ी है वो टाइम बताने का काम करेगी। तो इस सेंटेंस का टाइम है कंटिन्यूअस, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को कंटिन्यूअस कहा जाता है। बस रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट समझ लोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। एक और सेंटेंस लिखा है मैंने, दे वर एंजॉइंग देमसेल्व्स, वो खुद को एंजॉय कर रहे हैं। अब इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो दे है, और जो सब्जेक्ट से जुड़ी है वो वर्ब है वर। वर एक पास्ट फॉर्म की वर्ब होती है, वर जो होती है वो पास्ट फॉर्म में होती है। तो इस सेंटेंस का टेंस हुआ पास्ट टेंस।
लेकिन आगे एक और वर्ब लिखी है, वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो आईएनजी फॉर्म वर्ब की है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट से नहीं जुड़ी है, तो वो टाइम बताने का काम करेगी। तो इस सेंटेंस का टाइम है कंटिन्यूअस, वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस को बताती है। तो दे वर एंजॉयिंग देमसेल्व्स, वो खुद को एंजॉय कर रहे हैं। इस सेंटेंस का टेंस है पास्ट और टाइम है प्रेजेंट। एक और सेंटेंस मैंने लिखा, शी इज टू गो, वो जाने वाली है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है शी और इज जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से जुड़ी है। तो इज वर्ब है प्रेजेंट की, तो इस सेंटेंस का टेंस है प्रेजेंट टेंस। आगे एक और वर्ब लिखी है टू गो, इसको कहा जाता है इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहा जाता है और इन्फिनेटिव हमेशा फ्यूचर के एक्शन को बताती है, फ्यूचर में कोई काम होने को बताती है। तो इस सेंटेंस का टेंस है प्रेजेंट, क्योंकि इस प्रेजेंट की वर्ब होती है इसलिए टेंस प्रेजेंट है और टाइम है फ्यूचर। तो टाइम वही वर्ब बताती है जो सब्जेक्ट से जुड़ी है वो टेंस बताती है। एक और एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूं, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट इंडिया है और इंडिया सब्जेक्ट है जिससे एक वर्ब जुड़ी है गॉट। तो गॉट होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म कहलाती है पास्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस का टेंस है पास्ट, इस सेंटेंस का टेंस है पास्ट। अब इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है तो टाइम कैसे पता करेंगे? तो जरूरी नहीं है कि वर्ब ही टाइम बताए, वर्ब बताने के लिए, टाइम बताने के लिए कुछ और वर्ड्स भी यूज किए जा सकते हैं। जैसे लिखा है इन 1947, ये समय बता रहा है। तो इस सेंटेंस का टेंस है पास्ट और टाइम भी है पास्ट, क्योंकि 1947 तो निकल चुका ना, तो पास्ट में गया वो, इसलिए टाइम भी पास्ट है और टेंस भी पास्ट है। तो इस तरीके से हम टेंस को पहचान सकते हैं। तो अब देखते हैं कि वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म टेंस बना सकती है। तो चलिए देखते हैं कि वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म टेंस बनाने का काम करती है। यहां मैंने वर्ब्स की 6 फॉर्म लिखी है। तो पहली लिखी है प्रेजेंट फॉर्म, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, चाहे वो एस ई एस के साथ में हो या बिना एस ई एस के हो, उसको कहा जाता है वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड जो मैंने लिखा है पास्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो वर्ब की पास्ट फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म उसे कहा जाता है। एंड थर्ड जो मैंने लिखा है जेरंड, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जेरंड कहा जाता है। जब किसी वर्ब में आईएनजी जोड़ दी जाती है तो उस वर्ब को जेरंड कहा जाता है। एंड फोर्थ वन इन्फिनेटिव, जब 2+V1 लिखा जाता है तो उसको इन्फिनेटिव कहा जाता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल ये दोनों वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है और इस अंतर को हम वर्ब के चैप्टर में ही जानेंगे। एंड द लास्ट वन इज पास्ट पार्टिसिपल, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन सी फॉर्म है जो टेंस बनाने का काम करती है, एक एक से देखते हैं। पहला लिखा है आई लव माई कंट्री, तो यहाँ जो लव है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जो फर्स्ट फॉर्म है वो यहाँ टेंस बनाने का काम कर रही है, क्योंकि ये डायरेक्ट सब्जेक्ट के बगल में लिखी है और जो सब्जेक्ट के बगल में लिखी जाती है वो वर्ब टेंस बनाने का काम करती है। तो यहाँ टेंस है प्रेजेंट टेंस, तो इसका मतलब ये है कि वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म टेंस बनाने का काम करती है। सेकेंड चेक करते हैं आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया था। तो यहाँ जो डिड जो लिखी है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वी टू है, तो यहाँ सेकेंड फॉर्म जो डिड लिखी है वो जस्ट आई के बगल में लिखी है और जो सब्जेक्ट के बगल में लिखी जाती है वो टेंस बनाने का काम करती है। तो यहाँ डिड जो वर्ब है वो टेंस बना रही है, तो टेंस इसका हुआ पास्ट टेंस। तो इसका मतलब ये है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी टेंस बनाने का काम कर रही है। इसका मतलब है कि प्रेजेंट व प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म दोनों टेंस बनाने का काम करती हैं। देखते हैं और आई लव डांसिंग, ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है उसको
जेरंड कहा जाता है। तो यहां देखते हैं, मैंने लिखा आई लव डांसिंग, तो यहां लव तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं है, लेकिन हां डांसिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, लेकिन ये सब्जेक्ट से नहीं जुड़ी। जो वर्ब सब्जेक्ट से नहीं जुड़ती वो टेंस नहीं बताती। तो इसका मतलब ये है कि जेरंड टेंस नहीं बताती। इसका मतलब यह है कि जेरंड जो होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये टेंस बताने का काम नहीं करती। टेंस सिर्फ वही बताती है जो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बगल में लिखी जाती हैं, या फिर जो सब्जेक्ट के बगल में ना कहूँ तो ये कहूँ कि जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो टेंस बताने का काम करती हैं, या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंज हो जाती हैं वो टेंस बताने का काम करती हैं। एंड इन्फिनिटिव, आई स्टॉप्ड टू ड्रिंक, मैं रुका पीने के लिए। तो यहाँ पे जो आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बगल में लिखी है स्टॉप्ड, तो स्टॉप्ड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट फॉर्म तो टेंस बनाती है, लेकिन हमें चेक करना है कि इन्फिनिटिव टेंस बनाती है या नहीं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ लिखा है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो टेंस नहीं बना रही क्योंकि ये सब्जेक्ट के बगल में नहीं लिखी। इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटिव भी टेंस नहीं बनाती। दूसरी देखते हैं एक और, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती हैं। मैंने लिखा आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, तो इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है और आई से जो वर्ब जुड़ी है वो एम है, तो एम इस सेंटेंस का टेंस बताएगी। लेकिन हमें तो देखना था वर्ब की आईएनजी फॉर्म टेंस बताएगी या नहीं, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहां पे लिखी है जो सब्जेक्ट से दूर है, जो नॉन फाइनाइट वर्ब है। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, जो सब्जेक्ट से दूर होती हैं, वो टेंस नहीं बताती। तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी टेंस नहीं बताती। अब देखते हैं लास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, क्या ये टेंस बताती है। पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म को। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, इसमें सब्जेक्ट आई है और आई से बगल में लिखी है, आई के बगल में लिखी है हैव, तो हैव ही सेंटेंस के टेंस को बताएगी। लेकिन हमें तो चेक करना था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल जिसे कहा जाता है, क्या वो टेंस बताने का काम करती है या नहीं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म डन है जो टेंस नहीं बता रही, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बगल में नहीं लिखी, या फिर मैं ये कहूं ये फाइनाइट वर्ब्स नहीं है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चले। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब्स चलती है उन्हें ही फाइनाइट वर्ब्स कहा जाता है, और सभी फाइनाइट वर्ब्स टेंस बताने का काम करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि पास्ट पार्टिसिपल भी टेंस नहीं बताती। इससे हमें यह पता लगा कि सिर्फ दो ही वर्ब की फॉर्म ऐसी हैं जो टेंस बताने का काम करती हैं, एक है प्रेजेंट और दूसरी है पास्ट। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज ले लीजिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम सीखेंगे टेंस के बारे में और कई सारी बातें। तो सिर्फ आज इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।